देखा जाए जो भी 2022 में हुआ, तो उस रिजल्ट को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्साहित है। लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है वो केवल और केवल भाजपा के पक्ष में ही बन रहा है, दूसरी कोई पार्टियां दिखाई नहीं पड़ती। यूपी में जब लोकसभा की वीवीआईपी सीटों की बात होगी तब एक सीट सबसे पहले चर्चा में आएगी, क्योंकि सीट पर आता है इलाका रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का। साथ ही साथ वो विधानसभा सीट भी आती है जिसकी हार के बाद 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। हम बात कर रहे हैं सिरातू विधानसभा सीट की, जहां से चुनाव हारे बीजेपी में फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये सीट है कौसाम्बी, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ सिरातू विधानसभा आती है बल्कि साथ में आती है कुंडा और बाबागंज, जो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के प्रभाव में। इस सीट पर क्या होने जा रहा है, क्या समीकरण है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसका माहौल है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कौसाम्बी की सीट का 2009 में परसीमन किया गया, इससे पहले चायल सीट के नाम से जानी जाती थी। जब इस सीट का परसीमन किया गया तब इस सीट के साथ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की दो सीटें यानी कि बाबागंज और कुंडा, जहां से उनके विधायक हैं, एक से विधायक खुद राजा भैया हैं और दूसरे से उनके सहयोगी विनोद सरोज चुनाव जीतते रहे, और ये दोनों सीटें अब कौसाम्बी लोकसभा के अंदर आती हैं। इससे पहले भी इस सीट पर यानी कि जब पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब उन्होंने अपनी पार्टी के बैनर तले, जो उन्होंने नई पार्टी बनाई जनसत्ता दल, वो प्रत्याशी चुनाव लड़ा चुके हैं। और इस बार ये सीट इसलिए भी और खास होती जा रही क्योंकि यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद समाजवादी पार्टी के जो एक तरीके से कहते हैं हौसले, वो बुलंद हैं, क्योंकि सीट के जाति समीकरण ऐसे हैं जो अभी सपा को मुफीद नजर आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है, जो करीब 6 लाख है। उनमें भी पासवान समुदाय के लोग 3,50,000 के करीब बताए जाते हैं। मुसलमानों की संख्या 2,20,000 बताई जाती है, कुर्मी 1,80,000, तो ब्राह्मण भी 1,80,000 के करीब बताए जाते हैं। दरअसल यहाँ समाजवादी पार्टी के पास दो ऐसे नेता जुड़े हैं जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। एक तो इंद्रजीत सरोज, जो पहले बसपा में थे, इनका ये इलाका है और चूंकि पासवान वोट ज्यादा है उस पर इंद्रजीत सरोज का अपना एक प्रभुत्व है और वो समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ फायदेमंद रह रहा है। वहीं पल्लवी पटेल के आने के बाद से कुर्मी वोटों का भी झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। पल्लवी पटेल वही नेता है जिन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया था। वो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अब एक ओर पासवान, दूसरी तरफ कुर्मी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट बैंक है जिसमें खासकर मुसलमान आते हैं, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रही है। अगर आप इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो पिछले दो चुनावों से पहले लगातार दो बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती रही है। अगर आप देखेंगे 2019 और 2014 में यहाँ से बीजेपी के विनोद सोरकर चुनाव जीते, उससे पहले यहाँ से चुनाव समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार जीतते रहे। सीट आरक्षित है, ऐसे में यहाँ से अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया किसको चुनाव लड़ाते हैं ये भी बड़ा सवाल है। अगर उनके कोटे से कोई चुनाव लड़ता है तो बीजेपी का इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो अगर सवर्ण वोटों में सेधमारी करते हैं तो बीजेपी के लिए और मुश्किलें सीट पर खड़ी हो सकती है। बीजेपी जिन 9 सीटों को अपने लिए सबसे मुश्किल मान रही है उसमें ये सीट भी शामिल है। क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार, वो भी आप सुन लीजिए। जहां तक बात जाति समीकरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा सीट है जहां पे सबसे ज़्यादा दलित मतदाता हैं। एक तो ये बड़ा फैक्टर जात का है, लेकिन उससे भी बड़ा मेरे ख्याल से, जो मेरा मानना है, उससे भी बड़ा एक बड़ा फैक्टर और मुद्दा है राजा भैया का। चूँकि राजा भैया की जो दो परंपरागत सीटें हैं जहाँ से उनके दो विधायक हैं जनसत्ता दल के, वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। पिछली बार उनका प्रत्याशी 1,65,000 वोट उसको मिले थे, इस बार राजा भैया का रुख क्या होगा, क्या वो अपने प्रत्याशी को लड़ाते हैं या किसी का समर्थन करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के भाजपा की रणनीति अभी फिलहाल साफ है, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि पिछली दो बार से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं विनोद सोनकर, वही जीत हासिल किए हैं। मोदी नाम का जो ब्रांड है वो उन्हें जीत दिलाता रह रहा है। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है वो केवल और केवल भाजपा के पक्ष में ही बन रहा है, दूसरी कोई पार्टियां दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे में अगर बात करें समीकरण की तो
जिला दलित बाहुल्य है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलती दिख रही है। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो बीजेपी के लिए माहौल है क्योंकि मोदी लहर है, लेकिन अगर इस सीट पर जाति समीकरण फिट बैठते हैं और जो उत्साह समाजवादी पार्टी दिखा रही है और खासकर राजा भैया क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है और उसके हार और जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल ये तो रही बात कौसाम्बी सीट की, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या हो रहा है तो इसके लिए आपको जाना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में, जहां आपको अपनी सीट की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि आपकी सीट पर आपकी सीट पर स्थानीय लोग यानी कि आप सब किसके बारे में बता रहे हैं, किसका माहौल है, क्या समझा रहे हैं। इसके अलावा जरूरी बात यह कि स्टोरी आपके लिए भेजी थी कौसाम्बी से हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक, नमस्कार।